देश भर में बकरा ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हर मुस्लिम अपने लोगों को विश कर रहे हैं। सेलिब्स ने भी फैंस को इस तरह की शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर एक्टर स्वरा भास्कर ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके लिए कुछ लोग उन्हें सपोर्ट किया तो कुछ उन्हें ट्रोल करने लगे। स्वरा भास्कर बॉलीवुड में अपनी बयानबाजी के लिए जानी जाती है। कभी कंगना रनौत और उनकी तीखी बातें सुर्खियों में रही, तो अब स्वरा भास्कर ने वेजिटेरियन फूड ब्लॉगर के पोस्ट पर ऐसा कमेंट किया जिसे पढ़ने के बाद कोई भी आग बबूला हो सकता है। आखिर क्या कहा ऐसा स्वरा भास्कर ने? स्वरा भास्कर फूड ब्लॉगर नलिनी उजागर के पोस्ट को देखकर इतना भड़क गई कि विवादित बयान दे दिया। नलिनी उजागर ने सोशल मीडिया पर एक खाने की प्लेट की तस्वीर शेयर की थी। इस प्लेट की फोटो शेयर करते हुए नलिनी ने ट्वीट किया, मुझे शाकाहारी होने पर गर्व है, मेरी प्लेट आंसुओं, क्रूरता और पाप से फ्री है। स्वरा इस ट्वीट को पढ़ते ही इतनी भड़क गई कि विवादित जवाब दिया। स्वरा ने ट्वीट पर लिखा, सच कहूं तो मुझे शाकाहारी लोगों की एक बात पल्ले नहीं पड़ती, आप लोगों की सारी डाइट गाय के बछड़ों को उनकी माँ के दूध से दूर करके गायों को जबरत गर्भवती कराकर फिर उन्हें बच्चों से अलग कराने और दूध चुराने से बनता है। आप जड़ वाली सब्जी खाते हैं, इसमें तो पूरे पौधे की हत्या ही होती है। जरा शांत रहिए, आप बकरी ईद है तो सिर्फ इसलिए ऐसी बातें मत कीजिए। स्वरा के इस पोस्ट पर उनके खिलाफ कई लोगों ने बोला। एक यूजर ने कमेंट किया, मैं मानता हूँ कि बछड़े को माँ के दूध से अलग कर देना गलत है, लेकिन क्या आप लाखों जानवरों की हत्या को इस तरह के जस्टिफाई कर रही है? आप लोगों को इस बातों से परेशानी है कि दिवाली पर तेज आवाज के पटाखे ना जले और होली पर जानवर पर रंग ना डाला जाए, क्योंकि इससे उन्हें जलन हो सकती है, लेकिन आपको तब एतराज नहीं बल्कि जानवरों को मार कर ये त्योहार मनाते हैं, यहाँ तक कि उसे भी खाते हैं। स्वरा भास्कर के इस पोस्ट पर बवाल मच गया और उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। आपको बता दें, स्वरा भास्कर 6 जनवरी 2023 को समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से शादी की थी। उन्होंने विवादों से बचने के लिए अपना फिर धर्म बदलने कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद वो लगातार दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर ट्रोल हो रही थी। फिलहाल स्वरा एक बेटी की माँ है और अपना मदरहुड इंजॉय कर रही है। वही अब देखना होगा कि स्वरा की कमेंट पर लोगों का क्या क्या रिएक्शन सामने आता है।